नमस्कार संगवारी हो, स्वागत है आप सबके आपके अपन यूट्यूब चैनल सीजी ब्लॉगर ममता में। छत्तीसगढ़ के स्वाद में आज मैं आप मन पर लेके आया हूँ जिमी कांदा की रेसिपी। बहुत जन और सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट करे रही इसकी दीदी छत्तीसगढ़ में जिमी कांदा कैसे बनते और आप कैसे बनाते हो मोला जरूर बताओ। तो मैं कह रही हूँ कि अभी मोर घर जो है जिमी कांदा नहीं है, जब भी मोर घर आ जाए मैं प्रयास करूँ मिल जाए तो मैं जरूर शेयर करूँ। तो मोर घर आ गई है जिमी कांदा, जैसे कि मैं कह रही हूँ लेके आवे की तक बहुत अकंदा लेके आ गए है कावे के पापा है। ये देख सकते हो आप मन हाँ बहुत सारा लेका है, मोला तो बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको मतलब पसंद हो ही खबर की छत्तीसगढ़वासी मल्ला ये जिमी कांदा के सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद होते और बहुत प्यार से बनाते और बहुत चाव से ला खाते। तो सबके अपन अपन तरीका होते संगवारी हो एला बनाए के, आज मैं आप मन से शेयर करूँ मोर तरीका मैं कैसे बनाता हूँ। एक से पहले मैं आप मन से एक और रेसिपी जिमी कांदा के शेयर करें, वो है जिमी कांदा के खुला के सब्जी। हमारे छत्तीसगढ़ में जिमी कांदा ला सुखा के और साल भर भर जी है रखते तो ओला खुला कथन हमन हा, और आज मैं बनाऊँ कच्चा जिमी कांदा के सब्जी। तो अगर खुला की सब्जी कैसे बनाना है ये आप मतलब देखना है तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँ, आप मन देख लो। तो चलो संगवारी को शुरू करते हैं जिमी कांदा की सब्जी बनाए पर, कच्चा जिमी कांदा की सब्जी बनाए पर का करे पड़ते। पहली जिमी कांदा उबालना है जैसे कि कैसे कैसे करना है, और बाद फिर आगे हम सब्जी बनाओ। तो बने रहो वीडियो में आखिरी तक और पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करो। तो ये देखो संगवारी हो एक कांदा ला हम हाँ काट लेबो और काटे के बाद एला जो है उसन लेबो। सबसे पहले कांदा ला बढ़िया से धोना है, आप मतलब पानी भिगा कर रख लेना है और कपड़ा घस एक ब्रश आते ना तो मैं ओवरला बढ़िया से घस देना है ताकि ओकर मिट्टी विट्टी है निकल जाए। तो ये देखो इसने बड़े बड़े टुकड़ा में काटना है, अगर आप मन कुकर में उबालना चाहो तो कुकर में भी उबाल सकता हूँ, मैं यहाँ गंजी में चूल्हा में रखने वाला हूँ। तो ये देखो आधा पानी ले हो संगवारी हो और इसमें डाल देवो सबो जिमी कांदा ला। और एला उबाले के समय में अगर आप मन हाँ जाम के पत्ता यानी कि अमरूद के पत्ता या इमली के पत्ता ला डाल दूँ ना तो ओकर से खुजली नहीं हो बहुत अच्छा होते, पर मोर कर ये दोनों चीज़ नहीं दी इसे तो मैं नहीं डाले हूँ, मैं इसने उबाला था। और आप मन कर अगर मिल जाए तो आप मन जरूर डालो, या फिर इमली ला थोड़ा सा अगर डाल दूँ ना तो ओकर से भी जो है खुजली है नहीं हुए। तो ये देखो संगवारी वाला डाल दूँ चूल्हा में मैं रख दूँ। तो ये देखो चूल्हा में रख दे हूँ और वेला उबलन देता हूँ, एक घंटा कम से कम लगी। तो एक घंटा बाद अपन देख सकता हो कांदा बढ़िया से उसना आ गए है और जिसे आलू उसना थे ना उसने चिल्ला जी उसनना है और एक बाद एक छिलका ला निकाल के एला सुखा दे वो धूप में 4 से 5 घंटा बार। आप मन चाहो तो पूरा एक दिन सुखा सकते हो, पर मोला शाम का नेल बनाना है तो मैं है इला 4 से 5 घंटा धूप दिखाऊँ। तो चलो धूप दिखाए के बाद आगे के जी है आप मतलब बताऊँ कि कैसे हम लाइका सब्जी बनाना है। तो ये देखो संगवारी हो जिमी कांदा के साग बनाए बर मैं ले हूँ जिमी कांदा ला और ये छोटे छोटे टुकड़ा में काट ले हूँ, आप मतलब जितना भी मोटा या छोटा काटना है और हिसाब से आप मना काट सकते हो। एक बार मैं ले हूँ प्याज लहसुन अदरक और टमाटर, ये सब ला आप मतलब जितना भी ज़्यादा कम पसंद है और हिसाब से आप मन ले सकते हो। गर्म मसाला है खड़ी मिर्च है लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर हल्दी पाउडर जीरा और तेजपत्ता, इतना मसाला चाहिए। जिसे तरीका से मैं बनाता हूँ मैं वही तरीका आप मतलब बताता हूँ, खबर कि सबके अपन अपन तरीका होते और मैं एकदम छत्तीसगढ़िया स्टाइल जैसे कि हमन बनाते हैं जिमी कांदा वैसे खट्टा बहुत ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में पसंद करे जाते, पर मैं जो है एला बनाता हूँ मसालेदार एकदम बढ़िया से। अगर एला एक बार अपन खाओ तो नॉनवेज खाए पर भुला जो संगवारी हो तो सही में अब्बड़ मीठा थे जिमी कांदा के साग और हमारे छत्तीसगढ़वासी मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आवे। तो चूल्हा जला ले रहे हो और मैं रखूँ कढ़ाई और डालूँ तेल, तेल गर्म हो संगवारी हो तो एमें मैं यहाँ डाल दे हूँ जिमी कांदा ला। जिमी कांदा हमला एकदम बढ़िया से लाल लाल तलना है जैसे कि हमने पकौड़ा फ्राई करते ना भजिया तलथन वैसे हमला बढ़िया से तलना है, ऊपर से एकदम कड़क हो जाना चाहिए। या मन देख सकता हो धीमी धीमी आँच में तलत मोल 5 से 7 मिनट हो गए। अगर अपन ऐसने बनाऊँ ना तो एक को कनाव की जिमी कांदा के साग जो है नहीं खुजला है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि जिमी कांदा जब खाते तो जीबला पकड़ते हैं खुजली होते, पर ये तरीका से आप मन हाँ बना के देखो कभी नहीं खुजला है। तो ऐसने जो है सब जिमी कांदा ला मैं यहाँ तल के निकाल लूँ और जिमी कांदा के जी मैं कच्चा सब्जी घलोक बनाता हूँ बिना उसने, जैसे जिमी कांदा बिना उसने ओला छिल के मैं ओकर साग बनाता हूँ। एक झन दादी रही से मोर मायके में तेहा बताया रही मोला बहुत स्वादिष्ट होकर सब्जी बनते है, अगर आप मन कमेंट करो तो मैं वैष्णो बना के अपन ला दिखा दूँ। वैसे मोला एकर से ज़्यादा ना वो कच्चा वाले सब्जी पसंद है। तो ये देखो ऐसने छमला जो है सब जिमी कांदा ला तल तल के निकाल लेना है संगवारी हो। फिर आगे मसाला ला कैसे बनाना है एला मैं बताऊँ आप मन ला। तो ये देखो संगवारी हो सब जिमी कांदा हमार तला गए है और एला मैं निकाल ले हूँ। अब तेल है गरम है वही में अगर ज़्यादा तेल है तो आप मन निकाल लो, अगर कम है तो ठीक है। तो ये देखो इमें मैं डाल दूँ जीरा 3 ठन लाल खड़ा मिर्ची डाले हूँ मोला पसंद है तेकर सती है, अगर आप मना नहीं पसंद तो अपन मत डालो। 2 ठन तेज पत्ता डाले हूँ और एला थोड़ा सा कलर आन देना है
और जिमी कांदा में थोड़ा तेल ज़्यादा रही थी, काबर कि जिमी कांदा इसे कम तेल में नहीं बने संगवारी हो, नहीं तो फिर अच्छा से नहीं तला ही तो खुजली होना चालू हो जाए, तेकर साथ ही तलना ज़्यादा जरूरी है जिमी कांदा के साग में। तो ये देखो एला थोड़ा सा कलर आन दे हूँ, तेकर बाद में डाल दूँ प्याज, प्याज ला मैं पेस्ट बना ले हूँ, मतलब कीस ले हूँ मैं यहाँ तीन ठन जो है मीडियम साइज के मैं प्याज ले हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, मीडियम साइज के प्याज है। और दो इंच के लगभग मैं अदरक के टुकड़ा ले रहे हूँ, तेला भी मैं यहाँ बढ़िया से कीस दे हूँ, और एक कली पूरा लहसुन ले हूँ, काबर की मैं मसाला के मेन महत्व होते, अगर आपके मसाला सही बनी तो आपके जो सब्जी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगी। तो पूरा एक कली में यहाँ जी है पूरा एक ठन लहसुन ले हूँ, ऊपर से बहुत अच्छा लगते सब्जी के जो स्वाद है दुगना हो जाते लहसुन अदरक से। और तो ये देखो ये बढ़िया से हमला चला लेना है, और हमारे मसाला के कलर आप मन देख सकते हो चेंज हो गए है, बस ऐसने कलर हमला चाहिए था ना, हम इमें डाल देवो टमाटर ला, आप मन चाहो तो टमाटर ला जो है पीस घलोक सकते हो मिक्सी में या फिर किसे के में, पर मैं इला छोटे छोटे टुकड़ा में काटे हूँ अपन देख सकते हो। अब इला ढक के हमला 5 से 7 मिनट बढ़िया से पकाना है, जब तक कि हमारा टमाटर गल ना जाए। तो ये देखो संगवारी हो ढक्कन ना निकाल लेना है, देख लेना है कि टमाटर गल इसके नहीं, तो ऐसने करत करत हमने इला बहुत अच्छा से पका लेना है। और टमाटर जब आप डाले हो तो अगर तुरंत बाद नमक डाल दो तो बहुत अच्छा से गल जाते, पर मैं थोड़ा देर भुने के बाद जो है नमक डालूँ। तो चलो ये मैं डाल देता नमक ला, ताकि हमारा टमाटर जो है बहुत अच्छा से गल जाए, और टमाटर जितना बड़े आपन काटो ना उतना जल्दी जो है गलते। तो ये देखो स्वाद के हिसाब से नमक आपन ला डालना है, और बिल्कुल भी स्किप नहीं करे हो संगवारी हो, जैसे भी बना हो पूरा स्टेप आपन ला दिखाया हूँ मैं यहाँ, ताकि आप मन ला समझ में आ जाए। मोर एक जन सब्सक्राइबर इसे एक जन नहीं कई जन सब्सक्राइबर मन कह रही से कि दीदी ते जिमी कांदा के साग बतावे, मैं कह रही हूँ कि जब भी मोल मिली मैं ज़रूर शेयर करूँ। तो आज तो मोर संगवारी की फरमाइश हो गई पूरा। और ये देखो ये डाल देवो हल्दी पाउडर, 1 चम्मच के आसपास में हल्दी पाउडर ले रहे हूँ, और इला बढ़िया चला लेना है। मसाला भुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा से, धनिया पाउडर डालो संगवारी हो। और एक अलावा अगर आप मतलब पसंद है जैसे कि खड़ा धनिया ओला आप मतलब पीस के डाल सकते हो, मेथी डाल सकते हो, हरा मेथी बहुत स्वादिष्ट लगते। और ये देखो मैं डाल दूँ लाल मिर्ची की पाउडर, मिर्ची आप अपन हिसाब से ले सकते हो कम ज़्यादा जितका भी आप मतलब पसंद हो, मैं मीडियम ही खा दूँ तो मीडियम ही डाला था। और ओकर बाद हम गरम मसाला बचा दूँ संगवारी हो, गरम मसाला हम डालबो बाद में। तो एमें जो है कांदा ला डाल देवो जो तले रहें तेला संगवारी, और एला चला लेना है बढ़िया से, बढ़िया से मतलब कम से कम 5 से 6 मिनट एला मसाला के साथ हमला भूनना है धीमी धीमी आँच में, बहुत ज़्यादा आँच ला तेज नहीं करना है अपन, मो चूल्हा के आँच ला देख सकते हो, अगर गैस में भूना तो मीडियम आँच में भून सकते हो अपना। तो मसाला के साथ भीनी भीनी है जब धीरे धीरे जो है भुन जाही तो एक स्वाद जो है दुगना हो जाते संगवारी, अंदर में जब मसाला आ जाते तो आप मतलब अगर ये सब्जी सूखा खाना है तो आप सूखा भी खा सकते हो, अगर आप मतलब रसा वाला खाना है तो रसा वाला भी बना सकते हो। काबर कि जिमी कांदा के साग है थोड़ा से रसा रहते तो ज़्यादा मीठा थे, तब मैं इमें डालूँ पानी, पानी में अपन गर्म पानी के भी इस्तेमाल कर सकते हो या चोरहन के गलों का इस्तेमाल कर सकते हो, मैं एक डाला था नॉर्मल पानी। तो ये देखो एला बढ़िया से भून डालो, अब एक बाद मैं पानी डाल दूँ। तो ये देखो संगवारी हो मैं अपन हिसाब से पानी डाल देता हूँ, जितका मोला एकर रसा चाहिए तेकर हिसाब से, काबर के डब की घलो तो बहुत ज़्यादा रसा नहीं रखन, एकदम चपचपा टाइप के जो बनते ना वैसने से रखबो। तो कतिक बढ़िया लगा थे देखे में, जितका सुंदर दिखा थे वतका सुंदर कैमरा में खाप चंडी हो, काबर की सांझ सांझ होगी जिससे मतलब रात के टाइम और थोड़ा स्लाइड की प्रॉब्लम जिससे कर सकती। तो ये आप मन देख सकते हो रसा डाल दे, अबेला बढ़िया से जे है डबकन देता। तो ये देखो संगवारी हो ए में बढ़िया से जे है उबाल आवत है डबका थे, तो एमें मैं यहाँ डाल दूँ गरम मसाला, अगर आप मन ला गरम मसाला नहीं पसंद हो तो आप मन इला स्किप गलो कर सकते हो। तो गरम मसाला डाले के बाद इला बढ़िया से खो देना है, और एक बाद जे है हम इमें डाल देबो हरा धनिया की पत्ती। तो ये देखो बस मैं अतकी गाढ़ा रखूँ, और ये मैं डाल देता हूँ हरा धनिया की पत्ती। अब मोर साग हो गए बन के तैयार, एला मैं यहाँ उतार लूँ, और अगर आप मन चाहो तो ये जगह थोड़ा सा दही भी डाल दो बहुत अच्छा लगते। तो चलो ये साग बन गए, एला मैं यहाँ उतार लेता हूँ। हेलो संगवारी हो, मोर जिमी कांदा की सब्जी यहाँ बन के हो गए तैयार, कैसे लगे आज के मोर ये रेसिपी आप मन कमेंट करके जरूर मोर बताओ, आप मन के कमेंट मोर बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार रही थे, तो कमेंट जरूर करूँ, और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बस जन बुलाओ। तो चलो मिलता हूँ मैं आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय जोहार जय छत्तीसगढ़ और नमस्कार।